नासा का मिशन वॉयजर 1 जो इंसानों द्वारा भेजी गई अंतरिक्ष में सबसे दूर वस्तु है, जिसे नासा ने 7 सितंबर 1977 को लॉन्च किया था, जिसके बाद यह मिशन 2012 को हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाली पहली मानव निर्मित वस्तु बन गई। और वॉयजर 1 वर्तमान में पृथ्वी से लगभग 24 अरब किलोमीटर दूर है, जिसका अर्थ है कि कम्युनिकेशन इश्यूज को हल करने या फिर वॉयजर 1 को पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल भेजने में लगभग 22 घंटे का समय लगता है। लेकिन वॉयजर 1 द्वारा हमारे सौर मंडल छोड़ने के 11 साल बाद नवंबर 2023 को नासा के ग्राउंड ऑपरेटरों के साथ वॉयजर 1 का कम्युनिकेशंस बंद हो गया। परंतु नासा ने हार नहीं मानी और 3 मार्च 2024 को नासा के पास इस मिशन से सिग्नल आए हैं, जिसे 7 मार्च को इंजीनियरों ने इस सिग्नल को डिकोड करने का काम शुरू किया और 3 दिन बाद उन्होंने निर्धारित किया कि सिग्नल में FDS मेमोरी रीडआउट है। धन्यवाद।